छत्तीस द्वीपों का समूह क्या है? लक्षद्वीप। ये मूंगा से बना हुआ है। किससे बना है? मूंगा से। अब मूंगा से कैसे बनता है समझिए ध्यान से। जैसे कोई तालाब है बहुत बड़ा, या कोई समुद्र है, अगर कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, कोई समुद्र है मान के चलिए, और कोई इंसान मरे तो उसको वहीं पर ले जाकर डंप कर दीजिए। आदमी मरेगा, नीचे चला गया, मानसून सड़ जाएगा, हड्डी बच जाएगा, फिर कोई मरा वहां डंप कर दीजिए, फिर कोई मरा डंप कर दीजिए। ऐसे 100-200 साल में देखिएगा ना, वहां हड्डी का पूरा ढेर लग जाएगा और हड्डी बाहर आ जाएगी, फिर धूल कण चलेगी, बालू फंसेगा, ये फंसेगा, धीरे 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 वहां द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। अब बालू जमेगा, मिट्टी जमेगी, उसके ऊपर थोड़ा सा घास भूस जम जाएगा, हरियाली आ जाएगी यहाँ पर। तो वो द्वीप किससे बना है? आदमी के कंकाल से। वहां आप लॉज वॉज बना दीजिए, शांति लॉज, पूरा शांति रहेगा वहां, नहीं कंकाल लॉज, हड्डी लॉज, वहां कुछ भी बना दीजिए, वहां पे गर्ल्स हॉस्टल, रात में उसमें गाना बजा दो, आमी जे तो वहां बवाले हो जाए यहां पे। हाँ ऐसे ना फिल्म उलिम में देखेगा ना, हीरो को मार दीजिएगा ना तो हीरोइन भूत उत्पन्न के बदला लेती है, हीरो बदला नहीं लेता, दूसर कोई लेता है। दूसर, अरे लड़का सब रिस्क ने, दूसर कोई ले, देखना ना फिल्म में नागिने बदला लेगी नाग, अरे यार दूसर नागिन देखो चल गए नहीं जाने बताइए। तो हड्डी से द्वीप बन सकता है कि नहीं? वैसे ही एक जीव होते हैं समुद्र में जिसका नाम होता है मूंगा। क्या होते हैं? मूंगा। उनका खोल कछुआ की तरह कड़ा होता है। कछुआ की तरह क्या होता है? कड़ा होता है, और एकदम कड़ा होता है। तो जब मरते हैं तो उनका मांस गल जाता है और हड्डियां बच जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये वहीं पाए जाते हैं जहां पर समुद्र उथला हो, ज्यादा गहरा ना हो। जब ज्यादा गहरा नहीं है वहीं एकदम खूब सारे गोलिया गोलिया रहते हैं सर, जो मरेंगे सब नीचे चल जाएंगे सर, धीरे 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 लाश ज्यादा हो जाएगा, हड्डी ज्यादा हो जाएगी। अब वैसे भी ये गहरे पानी में रहते नहीं, उथले पानी में रहते हैं, धीरे 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 ऊपर उठ जाएगा, उसमें धूल कण जमा होकर हजारों साल में द्वीप बन जाएगा। आदमी द्वीप पर टहलने लगेगा, घूमने लगेगा, झोंपड़ी बना लेगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेज सब ना अलाव जलाता है, ऐसा कौड़ा नहीं होता है जलाया जाता है ठंडी में, उसको कहता है बोन फायर। हमको पहली बार बोला तो हमको देखने गए थे कि क्या कर रहा है, हमको लगा हड्डी भूज रहा है सर, हम जाके देखे तो कह रहे हैं कौड़ा जलीले, चलो बोल रहा है बोन फायर, बोन फायर कह रहे थे बबुआ बोन फायर, इस हम लोग बहुत फायर करते हैं तब। हम तो वहां समुद्र के किनारे बोन फायर करेगा सर, लकड़ी जलाएगा सर, कौड़ा जलाएगा सब, शराब वराब पिएगा सब, जो मतलब टूरिस्ट प्लेस बना देगा। तो वैसे ही हो गया लक्षद्वीप, ये मूंगा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मूंगा से। इसका मूंगा जो मूंगा से बना हुआ है, इसका आकार ना इसे घोड़ा के नाल के समान है, इस टाइप का है। द्वीप जो है ना वो यू शेप के द्वीप है सब, तो ऊंचाई से दिखेगा तो थोड़ा छोटा दिखेगा, तो घोड़ा का नाल ऐसे ही होता है, समझा गया? पीछे की ओर होता है, गाय भैंस का आगे की ओर होता है, समझा गया? गाय भैंस का नाल ऐसे ना आगे की ओर होता है, भी शेप में होता है, समझा गया कि नहीं आ गया? उस सबके खुर उर में पानी लग जाए, तो खुर उर अगर आदमी कोई साफ कहाँ करता है, कोई अपने यहाँ गाय भैंस का, वहां पे बहुत कम लोग साफ करते हैं, जिससे क्या होता है उसको बीमारी हो जाता है, खुर पका एक बीमारी हो जाती है, समझ गया? कि मुंह पका और खुर पका बीमारी होती है, समझ गया? ऐसे द्वीपों पे क्या आप हैवी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? 50 तल्ला का बिल्डिंग और धौंस जाएगा नीचे। तो वहां पे ना कॉटेज बनाया जाता है, झोपड़ी, रिजॉर्ट बनाया जाता है, रिजॉर्ट, रिजॉर्ट समझते हैं, वीला बनाया जा सकता है। वीला होता है एक तल्ला घर, वो भी लकड़ी का रहेगा, समझ गया? फार्म हाउस, वीला, कॉटेज, समझा गया? ये तीन कैटेगरी है टूरिस्ट को लिए। फार्म हाउस जो होता है ना, बड़ा सा खेत खलिहान होता है, 10 बीघा किसी का खेत है, तो उसमें साइड में एक बगीचा बना देगा, छोटा सा स्विमिंग पूल बना देगा, बत्तख डाल देगा, हंस डाल देगा, खूब बढ़िया आएगो, लकड़ी कुकड़ी का घर बना लेगा, झोंपड़ी पेंट वेंट करके खूब अच्छा, एक तल्ला बना सकता है, उसके ऊपर ढाल नहीं सकता है, उतलो रहेगा तो लकड़िए का रहेगा, सीमेंट का नहीं ढाल सकते, उसी को क्या कहेंगे? फार्म हाउस। अच्छा, एक तल्ला ढाल दिया सीमेंट का, और उसके ऊपर नहीं ढाल सकता है तो वीला, समझा गया कि नहीं आ गया? एक तल्ला ढाल दिया, ऊपर नहीं ढालेगा, लेकिन बहुत बड़ा बगीचा बनाया है पूरा एकदम, उस हो जाएगा रिजॉर्ट,
रिजॉर्ट में उसका पर्सनल स्विमिंग पूल है, बगीचा है, घोड़ा है, उसी में टहल रहा है, सब खूब बढ़िया है खेल को, मतलब 10-20 बीघा में खाली ऐसे बनाने के लिए। तो ये सब बड़े बड़े समुद्र के किनारे वाले जो शहर होते हैं, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, ये मरीना बीच हो गया, तो वहाँ की जगहों पर ये सब जाते हैं लोग। तो कोई फैमिली गया, एक तो रिजॉर्ट बुक कर लिया, समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो समुद्र में जाएंगे नहाने तो पूरा नमकीन नमकीन हो जाता है, तो घर आके नहाना होता है, तो कोई रिजॉर्ट बुक कर लिया, कोई का पैसा रिजॉर्ट से कम है तो विला कर लिया, उससे कम है तो फार्म हाउस कर लिया, उससे कम है तो होटल कर लिया, उससे भी कम है तो 20 रुपये का प्लास्टिक प्लेटफॉर्म पे बिछाया सो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहाओ कहाँ, सार्वजनिक रहता है प्लेटफॉर्म पर। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं।